और ये अपनी फ्रोंग्स है, ये देखो बूस्टर जेट सुजुकी। यार ग्राउंड क्लियरेंस आपको कैसी लग रही है इस गाड़ी की? एक बात है भाई, इसमें ना हमें थोड़ा डर लग रहा है भाई चलाते टाइम। हाँ जी, राम राम जी, कैसे हो सारे भाई? उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। आज हमारे पास एक न्यू नवेली कार आई है और दिखाते हैं उसकी चाबी। सबसे पहले ला भी चाबी दिखाइयो, ये देखो चाबी, दो ही बटन है इसमें बस, और दो ही काफी है। और ये चाबी है भाई मारुति सुजुकी की। और अब गाड़ी और दिखा देते हैं भाई, गाड़ी भी नई नवेली है। तो भाई ये देख रहे हो आप हमारे सामने मारुति सुजुकी नेक्सा की फ्रोंक्स। फ्रंट से थोड़ी सी मतलब लगती है ग्रैंड विटारा टाइप, लेकिन जो इसके ये हेडलाइट है ये चेंज है भाई। यहाँ पे आप देख रहे हो दो लो बीम एक हाई बीम। यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा भी दिया जाता है, ये इस तरह की कुछ इसकी ग्रिल मिलती है, ये अपने DRLs मिलते हैं, और आई थिंक इंडिकेटर भी होगा इनमें, कंफर्म नहीं है। अपने 16 इंची टायर आते हैं 195/60R16। व्हील बेस भी ठीक है गाड़ी का, बढ़िया व्हील बेस लग रहा है क्योंकि अंदर काफ़ी स्पेस है, हम कंफर्टेबली बैठ पा रहे हैं पीछे भी। और ये इसके कुछ इस तरह के ORVMs है, आई थिंक इस पर भी ये कुछ एसेसरीज लगी हुई है, एसेसरीज का पार्ट लगा हुआ है जिससे कि चेंज है, नहीं तो ये बॉडी कलर ही होंगे। ये है मारुति सुजुकी ने जो अपना पहले ब्लेनो में भी लेके आई थी 1 लीटर टर्बो इंजन, वो दोबारा से लेके आ चुकी है फ्रोंक्स गाड़ी में। और ये अपनी फ्रोंक्स है, ये देखो बूस्टर जेट सुजुकी, ये इसमें इंजन आने वाला है, 3 सिलेंडर टर्बो इंजन है। और जो इसका नॉर्मली आ रहा है 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड केसरीज इंजन जो आ रहा है, उसमें अपने 4 सिलेंडर आ रहे हैं। ये अपना अल्फा मॉडल है, सबसे टॉप वेरियंट है, नेवी ब्लू कलर है, और सब कुछ ही तो आपको इसमें मिल रहा है भाई। पीछे शार्फिन एंटीना, डी फोगर, वाइपर, और ये देखो रिवर्स कैमरा, पीछे देखो सेंसर, 4 सेंसर है पीछे। पीछे वाली सीट पे आपको तीनों अलग अलग हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बात करूं पीछे की तो अच्छा खासा हेडरूम है, मेरी 6'2" हाइट है। और अगर बात करें थाई स्पोर्ट की तो थाई स्पोर्ट भी अच्छा है। और ये देखो आप सबसे खतरनाक चीज, कितना स्पेस मिल रहा है आपको यहाँ पे, लेग रूम काफी अच्छा है भाई। तो तुम्हारा भाई चलाएगा और आपका एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि कैसी चलती है, चलने में कैसी है भाई। सबसे पहले यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट सीट मिल जाती है, ये सारे विंडो कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक सारे मिल जाते हैं, ये अपने ORVM कंट्रोल्स यहाँ पे आपको जो मिल रही है। भाई लोग पूछ रहे हैं पीछे ये क्या है भाई, ये है HUD डिस्प्ले, अगर आपको चाहिए तो ठीक, नहीं चाहिए ये सब कुछ सेम मिलेगा, तो आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, ये सब भाई ऑटो ऑनो ट्रैक्शन कंट्रोल्स, और 360 कैमरा तो इसमें है ही, ऐसे भाई बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग है ना भाई शायद, इसमें बहुत लाइट है ना, इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा यहाँ पे आपको ये अपने गियर शिफ्टर है भाई, गियर शिफ्टर हो गए, इधर आपका ये क्रूज कंट्रोल का हो गया, इधर आपका मीडिया कंट्रोल्स का हो गया, यहाँ से आप म्यूट कर सकते हो ये सारे फोन कट। और यहाँ पे आपको मिलेगा वॉइस कमांड का फीचर्स। 9 इंच की इसकी डिस्प्ले है भाई, और एसी का काफी अच्छा लग रहा है फ्लो। ये जो डिजाइन है ना ये अपना पुराना ही चल रहा है भाई ब्रेजा से ही, बाकी मैंने जब देखी थी ये अपनी ऑटो एक्सपो में तभी मुझे गाड़ी पसंद आ गई थी। बाकी यहाँ आगे हेडरूम मुझे और भी ज्यादा मिल रहा है भाई, पीछे नहीं मिल रहा था इतना हेडरूम, यहाँ पे काफी ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पे आपको मिल रहा है वायरलेस चार्जर मिल रहा है, यहाँ पे आपको USB केबल मिल रही है, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है, ये सारी चीज मिल रही है। यहाँ पे आपको इसका पूरे AC कंट्रोल्स मिल रहे हैं, और अच्छा लग रहा है ये जो डिजाइन है ना ये मुझे अच्छा लगता है इसका पूरा। ये आगे अपना AC वेंट हो गए, यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिलता है, यहाँ पे आपको 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ ऑटोमेटिक प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ पे आपको छोटा सा इसमें स्टोरेज काफी कम है यार, हाँ बाकी ये स्लाइड है, स्लाइड हो जाता है अपना। और अगर बात करें इसकी तो यहाँ पे आपको नॉर्मल ग्लव बॉक्स है, कूल नहीं है, यहाँ पे मिस करोगे आप सनग्लास होल्डर को, बोतल होल्डर वगैरह साइड में है, थोड़ा जल्दी जल्दी में वीडियो बन रही है तो इंजॉय करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, मारुति की 1 लीटर टर्बो चलाते हैं आज पहली बार भाई, से रिक्वेस्ट करेंगे भाई थोड़ी देर होल्ड करें, सबसे पहले लगाएंगे सीट बेल्ट। यहाँ पे क्या है कि सीधा पार्किंग है सबसे ऊपर, उसके बाद रिवर्स है, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, और ये है अपनी मैनुअल, इसके बाद स्पोर्ट्स मोड नहीं है इसमें क्योंकि ये ऑलरेडी टर्बो है। वैसे अपनी टाइगुन में तो है टर्बो, लेकिन टर्बो के साथ साथ स्पोर्ट्स मोड भी, लेकिन इसमें नहीं है क्योंकि 1 लीटर में आप डी में भी चलाओगे तो वो टर्बो वाला ही मजा है भाई इसमें। चलिए शुरू करते हैं भाई, ये कर दिया डी में और ये गाड़ी चल पड़ी भाई। तो भाई कृपया यात्री गाना अपना पेटी बांध ले भाई, ये अब किस चीज का दिखा रही है भाई। सीट बेल्ट किसने नहीं लगाई भाई, पीछे भी सीट बेल्ट लगानी पड़ती है आजकल, हाँ सब में ही आजकल यही है। हाँ अब सीट बेल्ट लग चुकी है तो इसका साहर है ना वो बंद हो चुका है। हाँ इसमें क्या है अभी स्टेयरिंग का फीडबैक बताता हूँ, स्टेयरिंग भाई काफी लाइट लग रहा है, और लेकिन जैसे मैं 1 लीटर अपनी टाइगन चलाता हूँ और 1 लीटर ये चला रहा हूँ ना, तो दोनों में डिफरेंस काफी अच्छे तरह से बता पाऊंगा मुझे ऐसा लगता है। सीटिंग कंफर्ट अच्छा है, थाई स्पोर्ट अच्छा है भाई, हाइट मेरी ज्यादा होने के बावजूद भी,
अब आ गए अपना प्यारा रोड जहाँ पे हम हर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भरपूर तरीके से ले सकते हैं। कितनी हाइट है भाई आप? मेरी हाइट 6'2" है भाई, 6'2" के हिसाब से कंफर्टेबल अच्छी है गाड़ी ना। ठीक है, फिलहाल जो हमें इसकी फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है, नॉर्मली जैसे टर्बो में थोड़ी सी हमें कम माइलेज मिलती है और अभी नई गाड़ी है, चली भी नहीं है अभी तो कुछ भी, तो ये अभी हमें 9.5 की इकोनॉमी दिखा रहा है। तो वो हमारे मतलब ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि हम इससे क्या माइलेज निकाल पाएंगे। माइलेज की तो खैर बाद में पता लगेगी, कस्टमर अपने रिव्यू देंगे। अभी तो गाड़ी डिलीवरी स्टार्ट हो गई नहीं अभी भाई? हां जी मिलेंगे, स्टार्ट हो गई, स्टार्ट डिलीवरी स्टार्ट हो गई। बढ़िया बात है, तो देखिए चलो आप देखते हैं इसके टर्बो का क्या मजा है भाई। एक बात तो मैं अभी इसको 110 तक लेके गया था, 120 से कह रहा है भाई ऊपर नहीं लेके जाने, और उतना हम लेके भी नहीं जाएंगे। एक बात है भाई, इसमें ना हमें थोड़ा डर लग रहा है भाई चलाते टाइम, जो कि टाइगन में नहीं लगता। गाड़ी मतलब लगता नहीं कि हम इसको इतनी स्पीड ले जाके काबू कर लेंगे, मतलब काबू कर लेंगे इतना वो नहीं लगता इसमें। मारुति की गाड़ी में भाई देखो सेफ्टी तो देखो, ये सिर्फ आपको धूप और छांव से बचाएगी, मेजर एक्सीडेंट से नहीं। ना भाई ना, धूप छांव बारिश से बचा सकती है, मेजर एक्सीडेंट से नहीं बचा सकती। बॉडी क्वालिटी आप देख लो इसकी, पहले से बहुत चेंज करी मारुति ने, वेट बढ़ा दिया सारी गाड़ी में, वेट बिल्कुल बढ़ाया 100-200 किलो सब में बढ़ाया अपनी, मान रहा हूं। लेकिन अभी क्या है कि इसकी एनकैप सेफ्टी रेटिंग नहीं आई है, तो उससे पहले सेफ्टी रेटिंग नहीं आई है। हम इसका वही भाई जैसे कि हम बलेनो देखते आए हैं और जो भी देखते हैं, ग्रैंड विटारा का भी अभी नहीं आया है। ये तो इसमें अभी देखना पड़ेगा, इसमें एक्चुअली मेरे ख्याल से दो आगे के पावर डिस्क ब्रेक है, पीछे के दो ड्रम ब्रेक है शायद, बाकी आपको कंफर्म करेंगे नीचे उतर के भाई। ये अभी इसमें क्या है कि अपना एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले तो दोनों होंगे भाई, वायरलेस है या कैसे है? अच्छा वायरलेस भी है और वायर से भी है भाई। ये देखो भाई जो मैं इकोनॉमी की बात कर रहा था, ये अपनी 9.5 के दिखा रहा है, और अभी गाड़ी 137 रेंज दिखा रही है 137 की, जबकि हाफ टैंक है इसमें भी, और पेट्रोल में ही अवेलेबल है। डीजल तो मारुति ने भी ऑलमोस्ट अपना बंद ही कर दिया भाई सारा, नहीं पेट्रोल और सीएनजी, अभी सीएनजी में अभी है नहीं, लेकिन आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई मारुति इसको सीएनजी में देगी। एक बार आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा रिवर्स कैमरा इसका, इसमें भाई 360 जो कैमरा आ रहा है ना, ये अपना लेफ्ट साइड का दिखा रहा है, और पीछे बस ये लेग स्पेस अपना अच्छा है, और पीछे भी आपको एसी वेंट मिलेगा, सिस्टम तो मारुति का ही होगा भाई, मारुति का म्यूजिक सिस्टम है, सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी भाई जब भी बोल रहे हो आगे भाई, इसमें तो सीट बेल्ट जरूर लगाओ, मारुति गाड़ी में बैठ रहे हो क्यों, फिर भी बच जाओ तो बच जाओ, फिर भी बच गए तो आपकी किस्मत ऊपर लेके उड़ते हैं। सही बात, अच्छे कर्म कर रखे हैं, अच्छे कर्म कर रखे हैं तो आप बच जाओगे मारुति गाड़ी में भाई। जब भी आप देखो दीपक भाई के पास है अपने टाटा नेक्सॉन, सेफ्टी की कोई चिंता ही नहीं है, लोहा है प्योर लोहा, अपने पास है वोक्सवैगन टाइगन, वो भी अच्छी है, इंडिया में सबसे टॉप है भाई फिलहाल सेफ्टी रेटिंग में, 5-star चाइल्ड सेफ्टी में और 5-star ही अपने एडल्ट सेफ्टी में। देखी जाए तो अपनी भाई टर्बो वाली जो है लगभग आपको 9 लाख से स्टार्टिंग है, नहीं भाई गलत तो नहीं कह रहा हूँ, नहीं एक्स शोरूम जो है 9 लाख है, एक्स शोरूम 880 है, हाँ तो लगभग 10 लाख आपको ऑन रोड पड़ेगी। ये वाला मॉडल नहीं, मतलब टर्बो वाला मॉडल, ये तो टॉप है, ये तो लगभग आप मानो 15 लाख समथिंग में, 15 लाख रुपए में आप फ्रोंक्स तो शायद नहीं सोच समझ के लोगे लोगे तो भाई नहीं। आप मारुति संध्या प्यार करते हो तो नहीं भाई, आंख बंद करके प्यार करते हो तो लोगे 15 लाख में, नहीं तो इसका आप जो वैल्यू फॉर मनी जिसको कहते हैं जो मॉडल होगा वो तो भाई बेस होगा या उससे ऊपर वाला होगा, वो अपना कौन कौन सा होता है भाई, सेगमा और डेल्टा प्लस बी, इसका यही मॉडल बिकने वाले हैं मारुति के इस गाड़ी के, क्योंकि 15 लाख में तो भाई मुश्किल ही लगेगा भाई। इसका जो टॉप मॉडल है ना बिल्कुल टॉप नॉच, वो 15 लाख के समथिंग है, सही कह रहा हूँ ना मैं, और ये वाला मॉडल ये 15 लाख वाला ही है ना, देख लो सही बोला था तुम्हारे भाई ने, 15 लाख वाला ही है भाई, क्या ना 13 लाख वाला नहीं। अच्छा इसमें क्या है कि आपको सनरूफ वगैरह तो कुछ मिल नहीं रही, छोटी बड़ी नहीं भाई। कोई नहीं मिल रही, ये आपकी गाड़ी किसकी टक्कर में निकाली है मारुति ने वो भी बता देते हैं आपको, ये आपकी टक्कर देगी सीधा टाटा नेक्सॉन नेको नहीं टाटा पंच को, टाटा पंच को देगी, और अपनी वो एक है ना सिट्रोन सी थ्री उस गाड़ी की टक्कर में है फिलहाल, बाकी ये सेगमेंट B2 सेगमेंट बोलती है मारुति इसको, और
देखते हैं कैसा पकड़ती है मार्केट को ये गाड़ी। अब बात कर रहे थे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, यार ग्राउंड क्लियरेंस आपको कैसी लग रही है इस गाड़ी की? ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी लग रही है यार। तो भाई दो तीन लोगों से ट्राई दुआ दिया गाड़ी की, भाई ने भी ले लिया, हमारे बड़े भाई ने भी, बड़े भाई ने तो कर दी पास हर तरह से, और हमें मुझे एक्चुअली उतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैं टाइगन चला रहा हूँ ना यार, तो टाइगन के टक्कर के देखो गाड़ी है नहीं, वो एक अलग सेगमेंट हो गया, एक अलग सेगमेंट हो गया, लेकिन है तो 1 लीटर टर्बो ही, वो भी और ये भी, तो उस हिसाब से मैं इसको मतलब पसंद नहीं कर पाया शायद। बाकी आप लोगों को कैसी लगी देखने में? चलाई तो आपने है नहीं, लेकिन देखने में कैसी लगी? पिक्चर वाइज मुझे गाड़ी बढ़िया लग रही है। ओ तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग हम तुम यात्री।